सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने सोलन की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सोलन में भाजपा नेता राज्य स्तरीय सोलनी मेले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिसमें सोलनवासी आहत दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वह कल खुद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। वहीं इस मौके पर विधायक धनीराम शांडिल ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की पिछले 5 महीनों से स्थायी नियुक्ति न करने पर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि सोलन नगर परिषद को स्थायी कार्यकारी अधिकारी न मिलने पर सोलन के विकासात्मक कार्य ठप पड़ गए हैं और लोगों के निजी काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने प्रदेश सरकार को आग्रह किया है कि जल्द से जल्द नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी लाया जाए। जो एक ही रहे बाबूराम नेगी के जो चार्ज है वो अलग अलग अफसरों को देते हैं, कभी आरटीओ को दे देते हैं, कभी तहसीलदार को दे देते हैं, कभी एसडीओ साहब को दे देते हैं, तो ना उनके काम समझ में आता है और एज ए रिजल्ट हमारी जो खासकर जो रख रखाव है अपने, इसीलिए मैं समझता हूँ जो मैंने 5 महीने पहले कहा था कि अपनी नालियों को ढको भाई, पैसे भी दिए इनको 17 लाख और तब भी जो काम अब हो रहा है इतनी देरी क्यों, कि ईओ कोई परमानेंट है ही नहीं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ एक पक्का ईओ लगे जो कि ठीक से इस टाउन को ठीक से देखे, सब व्यवस्थाओं को देखे और सब एजेंसी को काम पे लगाए। आजकल एक गंभीर संकट हमारे पास पानी का है, जो न केवल हमारे बल्कि मैं समझता हूँ पूरे शायद प्रदेश में ही ये जल संकट उभरा है और इसमें हमारे सभी नागरिकों की, सभी बच्चों की, सभी लोगों की मैं समझता भूमिका है कि हम पानी का ठीक इस्तेमाल करें और पानी का जैसे सिंगापुर लाइन पे है वाटर हार्वेस्टिंग करें, बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और तब मैं समझता हूँ अच्छा होगा।